मैं सिद्धार्थ शुक्ला और स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज पे। बृजभूषण सिंह के ऊपर पहलवानों का आरोप एक लंबे समय से लगता चला आ रहा था, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल रहा था। पहलवान लगातार संघर्षरत थे और बृजभूषण लगातार बयानबाजी में मशगूल थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। दरअसल बृजभूषण के ऊपर बीजेपी आला कमान ने एक्शन ले लिया है। बृजभूषण सिंह की 5 जून को होने वाली रैली के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और उनकी इस रैली को बीजेपी आला कमान ने खारिज कर दिया है। बृजभूषण इस बारे में पूरी तरह से स्तब्ध रह गए जब उनको ये खबर मिली कि आला कमान नहीं चाहता कि वहां पर रैली की जाए। उससे इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने भी धारा 144 लगाने का निर्देश दे दिया था। यदि बृजभूषण सिंह रैली करते तो धारा 144 अयोध्या पूरे जिले में लग जाती। इस बारे में लगातार पहलवानों का राय था, पहलवानों का कहना था कि पहलवानों ने उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, इनके ऊपर कोई जांच नहीं हुई थी। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने अपने एफआईआर में एक नाबालिग पहलवान का भी बयान दर्ज किया था, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया था, लेकिन पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगने के बावजूद बृजभूषण खुलेआम घूम रहे थे। और अब बृजभूषण के ऊपर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। निर्णय यह है कि उनकी सभाओं को रद्द कर दिया गया है और आला कमान की तरफ से उन्हें बयानबाजी न करने के बारे में निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा के कई नेता अंदर ही अंदर से इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि बृजभूषण के ऊपर यदि एक्शन नहीं लिया गया तो इसका परिणाम आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है और ऐसा होने की पूरी पूरी संभावना अब भी बरकरार है। लेकिन भाजपा ने इस बात का एहसास भाजपा को हो गया है कि बृजभूषण को बचाने के चक्कर में आने वाले समय में कई बड़ी सीटें उसके हाथों से निकल जा सकती हैं। शायद इसी वजह से यह बातें समझ कर राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए बृजभूषण के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। बृजभूषण की रैली को फिलहाल रोक लगा दी गई है, रद्द करा दी गई है। बृजभूषण ने अपनी इस रैली के रद्द किए जाने की बात अपने फेसबुक पोस्ट में लिख करके साझा की है। फेसबुक पोस्ट के जरिए बृजभूषण ने भले ही अपने रैली पर रोक लगाने की बात कर दी है, लेकिन फिर भी उनके अकड़ में और उनके तेवर में कोई कमी नहीं आई। मैं बताता हूँ आपको कि क्या कुछ कहा था बृजभूषण सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिख कर। और एक चीज और, उनके शब्दों की उनके लहजों के ऊपर जरा गौर कीजिएगा कि बृजभूषण के शब्द अब भी किस अकड़ में और किस ठसक के साथ निकल रहे हैं। उनका मैं पोस्ट पढ़ता हूं कि उन्होंने आखिर क्या कहा था। सबसे पहले बात करते हैं बृजभूषण सिंह के पोस्ट के बारे में। तो बृजभूषण ने लिखा, मेरे प्रिय शुभचिंतकों, आपके समर्थन के साथ पिछले 28 वर्ष से लोकसभा के सदस्य के रूप में सेवा की है। मैंने सत्ता और विपक्ष में रहते हुए सभी जाति समुदायों और धर्म के लोगों की एकजुट करने का प्रयास किया। इन्हीं कारणों से मेरे राजनीतिक विरोधियों और उनकी पार्टियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। सुना आपने, उनकी विपक्षी पार्टियों ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। इसी वजह से भाजपा आला कमान ने इनके इस रैली को निरस्त करने की मांग कर दी है, जिसमें 11 लाख लोगों के और संतों के जुड़ने की संभावना बृजभूषण बता रहे थे और बृजभूषण का दावा था कि 11 लाख लोग जुटेंगे। अब देखना यह है कि एक तरफ भाजपा के कई नेता, जिनमें कि मेनका गांधी भी शामिल थे, उन्होंने कहा था कि किसी को आप उतना ही सता सकते हैं जितनी उसकी सताने की सीमा हो, बर्दाश्त करने की सीमा हो। इसके बाद बीजेपी ने यह बड़ा कदम उठाया। अब देखना यह है कि इस फैसले के बाद बृजभूषण को क्या जेल में भी डाला जाएगा, बृजभूषण की गिरफ्तारी भी होती है, जो कुछ भी होता है। आप देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ दूसरी खबरों को लेकर के, और खास करके बृजभूषण के मुद्दे से जुड़ी हुई हर एक खबर लेकर के आते रहेंगे आपके पास और देते रहेंगे आपको पल पल की जानकारी। तब तक आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।